नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऑडियो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे थे आरजेएस इंटरव्यू के। आरजेएस इंटरव्यू के लिए लेके आपको काफ़ी चिंताएं हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, कौन कौन बैठेंगे, पैनल में क्या होंगे। जनरली पैनल के अंदर जब बैठने के लिए होते हैं तो दो हमारे हाईकोर्ट जजेस होते हैं और एक हमारा एक्सपर्ट होता है, तो लगभग तीन लोगों से बनता है। अलग अलग पैनल रहते हैं, सबके थॉट्स अपनी अपनी होती हैं और उस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चंस रहते हैं। अब आपके मन में आता है कितना मिनट मेरा चलेगा, क्या रहेगा, तो अमूमन 10 मिनट तो चलता है, कभी 15 मिनट भी हो जाता है। जब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं तो 15 मिनट भी हो जाता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। तो उससे हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यह मेरा ज़्यादा चला तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मेरा कम चलेगा तो मुझे मेरा कम मार्क्स मिलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास समय आ गया है, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, अब आपको लग रहा है कि क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करूँगी, ताकि आप अभी भी आपके पास समय है, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके कुछ क्वेश्चन को दूर करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट उन्हीं के साथ रहता है कि उनसे क्या पूछा जाए। उनसे एक क्वेश्चन रहता है कि आपने इस गैप में क्या किया। मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आपने 2014 में लॉ किया तो आपके पास अगला सवाल यही होगा कि 2014 से 2017 तक क्या किया, 2017 से 2019 तक क्या किया। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन करनी है 2019 तक आपने क्या किया। सेकंड एक सवाल है जो फिक्स है, आप आरजेएस क्यों बनना चाहते हैं। जो आरजेएस क्यों बनना चाहते हैं, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, इस फील्ड में क्यों आए हो, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी थी, आप दूसरा फील्ड भी यूज़ कर सकते थे, है ना। तो ये रहता है। देन आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसने LLM कर रखी है, DC LL कर रखा है, DC LFC कर रखा है, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनको फिर CIPC CPC नहीं पूछते हैं, उनको केवल उनका LLM पूछ लेते हैं। तो ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि अपना LLM पढ़ के जाओ, टेंशन ख़त्म। अब आता चौथा, उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को मिलेगा, जिसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे ही नहीं उनके लिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिट है कि आपको ज़्यादा इधर उधर होच-पोच करने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना। अब इन सबके साथ मिला जुला असर है आपका कॉन्फिडेंट। आप अपना कोई भी आंसर दो, आपको नहीं पता कि वो सही है या गलत है, आपको अपना आंसर देना है कॉन्फिडेंट के साथ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा सही है। जहाँ आपको नहीं आता है वहाँ आपको क्या बोलना है, या आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो तो मैं आपको बता दूँगी वहाँ क्या बोलना है। उसके बाद आपके पास आता है राजस्थान के बारे में, स्पेशली जो राजस्थान के लोग हैं और वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनसे तो उस एरिया के लिए पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई क्या था, क्या नहीं था, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके लिए तो वो आना ही आना है। देन आते हैं हमारे पास, जैसे पूछ लिया आपको एग्जाम्पल, उदयपुर में कौन सी ऐसी प्रथा है जो आपको पता है कि जो ख़त्म करनी जानी चाहिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो कुप्रथा के रूप में मानी जाती हैं, राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो पॉजिटिव रूप में मानी जाती हैं, दोनों के बारे में पूछ सकते हैं। इवन दो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें कौन सा मंदिर फेमस है वो पूछ सकते हैं। तो राजस्थान वालों को तो स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बाहर वालों के एक और आराम है जो राजस्थान से बाहर से, उनको राजस्थान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे, जस्ट एक राजस्थान का कल्चर पूछ सकते हैं, आपको कल्चर के बारे में क्या जानते हो, राजस्थान की बोलियों के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको तो राजस्थानी आती नहीं है, मारवाड़ी आती नहीं है, सिखावटी नहीं आती, तो आप कैसे काम करेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अब ये तो था नॉर्मल, फिर अब आपके ऊपर आ सकता है, ये तो एक ट्रांसफरेबल जॉब है, हर बार ट्रांसफ़र होता जाएगा, आप कैसे मैनेज करेंगे, आप अगर बाहर से यहाँ आ रहे हो तो अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ के आओगे, अपने बच्चों को आप कैसे छोड़ेंगे, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस जॉब में ऐसा क्या लगा जो आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, या आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम आपको इस जॉब के लिए आपको चुन लें, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। देन आपके पास आता है आप CRPC में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल क्या है, है ना, क्यूरे पिटीशन क्या है, या इस बारे में पूछ सकते हैं बेलेबल ऑफेंस क्या है, बेलेबल इवन तो ये तक पूछ सकते हैं कि कंप्लेंट की डेफिनेशन बताइए, CPC में ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 10, है ना, ऑर्डर 1 रूल 8,
ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रोसीजर, इवन तो ये तक पूछ सकते हैं कि टीनेंट को उसकी मर्जी या उसकी परमिशन से बिना निकाल दिया जाता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी बचेगी, ये सब पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मिला जुला सारे बहुत हाई लेवल नहीं पूछेंगे। हाँ, प्रैक्टिकली भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी, इस केस में आप क्या करेंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप कर सकते हैं। तो देखो, अब आता आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आए तो पहले आप उस केस को समझो, देन आप रिप्लाई करो कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं ये कर सकता हूँ, उससे पहले ये देखो कि क्या वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं आता है, ठीक है? उसके बाद उसका रिप्लाई करो। जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट अपना डेफिनेशन बता सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी पूछा जाता है, बहुत डीपली नहीं, क्योंकि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, ठीक है? इसके बाद आपसे ओपिनियन पूछी जा सकती है। ओपिनियन इन द सेंस, सबरीमाला केस के अंदर आपकी क्या ओपिनियन है, अभी जो इसका डिसीजन आया है अयोध्या वाला, उसमें आपकी क्या ओपिनियन है, 377 को हटाना चाहिए नहीं, इसकी क्या ओपिनियन है, मोम ब्लीचिंग के बारे में कौन सा फेमस केस और क्या हुआ था। इवन दो आपको बातों ही बातों में अगर बात निकल गई तो हिंदू लोग मुस्लिम लोग भी पूछा जा सकता है, जिन्होंने कॉरपोरेट के अंदर अगर कर रखी है एलएलएम, तो उनसे कमर्शियल कोर्ट भी पूछा जा सकता है, यानी जो आपके सब्जेक्ट नहीं वो भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी जज गई तो आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपको किसी भी तरह के कन्वेंशन के बारे में पूछ सकते हैं, यानी वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो पूछ रहे हैं वो बहुत ईजी पूछेंगे, इसलिए आपको उसकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि ये ऑडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। और इन सब के बाद हमें ये सब नहीं सोचना है कि मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, आपका काम है अपना इंटरव्यू दे के आना, आप एक बार दे के आ जाओ, उसके बाद हम 18 को एक और ऑडियो बनाएंगे ताकि रिजल्ट क्या रहेगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारा एक ही फोकस है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यही चीज़ें मेरे सामने अगर आती हैं तो मुझे नॉर्मली कैसे उसको आंसर करना है पहली बात, और उस आंसर करने के बाद मेरे को ये नहीं देखना मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे ये देखना मैं कितना कॉन्फिडेंट के साथ हूँ, मेरे हैंड्स मूवमेंट कैसे है, मेरा हेजिटेशन तो नहीं है, मेरे में टेंशन तो नहीं है, मुझे उसे ख़त्म करना है। देखो, द एंड ऑफ वो दिन आ गया कि आपका इंटरव्यू होना है, तो फिर अब चिंता की क्या बात है, ये तो पहले से पता था इंटरव्यू होना है, तो चिंता खत्म करके जाना है मस्ती से। और एक और चीज़, जब आप इंटरव्यू देने बैठो तो मन से बोलो, रट्टा रट्टाफिकेशन मत करो, उनको ऐसे समझाओ कि जैसे कोई मुद्दा आया और आप अपनी फैमिली वालों को समझा रहे हो, इस तरह से समझाओगे तो आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे, ठीक है? अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।